A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर व 45 वार्डों के पार्षदों ने आज शपथ ली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भाजपा के 23 पार्षद प्रत्याशी जो पार्षद थे उन्होंने शपथ ली, जबकि सामूहिक कार्यक्रम अटल बिहारी सामुदायिक भवन बिलोची में आयोजित किया गया था। इसी के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारी व पार्षदों ने शपथ ग्रहण के दौरान जमकर हंगामा किया। वहीं भारी विरोध के बीच आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल ने शपथ ली। इसके बाद जिला प्रशासन के काफी समझाइश के बाद एक एक कर कांग्रेसी पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। इस बीच वोटिंग के लिए आ रहे भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें जाने से रोकने का प्रयास किया, तो बीच में आई पुलिस के साथ भी कांग्रेसियों की जमकर झड़प हुई। इतना ही नहीं, मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदान कक्ष के बाहर आए भाजपा व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर धक्का मुक्की की गई। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से निगम अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। भाजपा उम्मीदवार देवेश पांडे नगर निगम अध्यक्ष बने। बता दें, देवेश पांडे को 26 मत मिले, वहीं कांग्रेस के शेखर सिंह को 19 मत प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा के देवेश पांडे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। आज सिंगरौली में महापौर रानी अग्रवाल सहित 45 वार्डों के पार्षदों ने शपथ ग्रहण की।